राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही बोला था कि बहुत जल्द सेम चैनल पर आपको वास्तु टिप्स, वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये पहला वीडियो रहने वाला है हमारी वास्तु जर्नी का। तो देखिए, जो ज़माना आज का है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, खासकर पढ़ाई की फील्ड में। नए नए कोर्स आ चुके हैं, नई नई फील्ड्स आ चुकी हैं, जॉब आ चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें गिनने का सिर्फ एक रास्ता है, जो है स्टडी, यानी कि पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, पहले से पढ़ाई थोड़ी सी इजी हो गई है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि वो इजी हो गई है, पढ़ाई तो टफ हो गई है, बट सोर्सेज काफ़ी सारे हैं पढ़ने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यार, ये सारी बातें ना ठीक है अपनी जगह, बट वी आर इंडियंस, और हमारे लिए और भी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें आ जाता है हमारा वास्तुशास्त्र। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आजकल, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, पढ़ते तो हैं पर याद नहीं रहता है, याद रहता है पर एग्ज़ाम में जो लिख के आते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, कुछ नहीं लिख पाते हैं। बहुत सारे सेम कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बच्चे फेस कर रहे हैं और पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं। कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि गैजेट्स का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पर, हमारी काम करती है कुंडली और वास्तु। तो कुंडली की बात हम फिर कभी करेंगे, आज हम स्टडी रूम के वास्तु की बात करते हैं। तो यार देखो, हर घर में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर स्टडी रूम प्रोवाइड कर पाएँ। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो जहाँ पर वो पढ़ रहा है उस एरिए को आप वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा बदल दें, जिससे उसकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, स्टडी रूम में शुद्धता का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्टडी रूम में हमेशा आप साफ सफाई रखें, गंदगी ना रखें स्टडी रूम में। कभी भी कोशिश करें स्टडी रूम में, अगर पर्सनल स्टडी रूम या सेपरेट स्टडी रूम है, तो उसमें बैठकर खाना ना खाएं, कुछ जूठा ना करें उसे। वहाँ पर पवित्रता बनाकर रखें, सुगंध का ज़्यादा प्रयोग ना करें स्टडी रूम में। हालांकि आप धूप बत्ती जला सकते हैं, क्योंकि वो मन शांत करती है, या फिर आप कपूर जला सकते हैं। सुगंध ना प्रयोग करें, क्योंकि सुगंध से मन भटकता है। दूसरी चीज़, किताबें कभी भी खोल के मत रखें। जो किताबें आपको नहीं पढ़नी है, वो किताबें बंद कर दें, या फिर कई सारे लोगों की आदत होती है कि सेम टॉपिक में सेम किताब पढ़नी है तो उसको वहीं खुला छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, बुकमार्क का यूज़ कर लें। किताबें कभी भी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ आती है दिशा, किस दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप दक्षिण की तरफ मुँह करके पढ़ाई कर रहे हो ना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप आज से अभी से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ना शुरू कर दो, विद इन अ मंथ आपकी जो कंडीशन हो जाएगी मैं आपको बता नहीं सकता, कितने भी आप इंटेलिजेंट बने रहो। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी मुंह करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और पश्चिम दिशा की तरफ भी मुंह करके पढ़ना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्य डूब जाते हैं। पढ़ाई करने के लिए सिर्फ दो दिशाएं होती हैं, मतलब बेसिकली देखा जाए तो तीन। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह कर लीजिए, वहाँ पढ़ लीजिए। उत्तर दिशा में आप पढ़ सकते हैं मुंह करके, पूर्व और उत्तर के कोने में आप मुंह करके पढ़ सकते हैं, और पश्चिम उत्तर के कोने में आप मुंह करके पढ़ सकते हैं। बाकी दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, इन सारी दिशाओं में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप इन दिशाओं में मुंह करके पढ़ रहे हैं, आपको कभी भी कुछ भी ना याद रहेगा, आप ना रिवाइज कर पाएंगे, हमेशा आप लॉस में चलते रहेंगे। अपनी स्टडी की टेबल में हमेशा माँ भगवती सरस्वती की एक तस्वीर रखें, हो सके तो मूर्ति रखें, अदरवाइज तस्वीर रखें, और इजीली अपनी स्टडी टेबल पर हमेशा शुद्धता बना कर रखें। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, तो रात्रि में आजकल एक बड़ा फैशन चल गया है, बाकी आज क्या बहुत टाइम से चला रहा है, कि बच्चे
10 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, सुबह 4-5 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। कभी भी ये नहीं करना चाहिए। आप रात में जल्दी सो जाओ, सुबह आप 3:30-4 बजे उठ जाइए, आराम से 3-4 घंटे का रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगा। जितना सुबह की पढ़ाई होती है ना, उतनी कभी भी रात की पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ें आप रात में पढ़ रहे हैं ना, वो आप चाहो तो सुबह भी पढ़ सकते हो। आप 3 बजे उठो, 7 बजे तक पढ़ो और देखो आप कितना पढ़ लोगे। और आप 10 बजे पढ़ने बैठो और 4 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में रहेगा अरे मैं तो रात में पढ़ता हूँ। ये चीज़ करना छोड़ दीजिए। रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठकर पढ़िए। और अपने पीछे हमेशा एक दीवार होनी चाहिए। अगर आप टेबल पे बैठ रहे हैं, स्टूल पे बैठ रहे हो, आप ज़मीन पे बैठ रहे हो, हमेशा दीवार होनी चाहिए पीछे। कभी भी ओपन स्पेस में नहीं आपको पढ़ा के बैठ के पढ़ना चाहिए। और राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, राइटिंग को अच्छा करिए। तो ये कुछ वास्तु टिप्स थे स्टडी रूम के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।